number. So welcome back to the channel और good morning. आज है दूसरा दिन. आना साहू. Hi all. हम लोगों के आधे दोस्त चले गए और जिन्हें रुकना था, जिनके नसीब में था रुकना, रुक गए. जो चले गए वो पछता रहे होंगे. नज़ारे अच्छे देखे नहीं है अभी तक. जो दिन में नज़ारे दिखते हैं, फॉग, वेदर और वो भैंसे पीछे आपको दिख रहे होंगे. भैंसे. और आज प्लान कुछ ऐसा है, दिन भर का प्लान. या एक फोर्ट है पहाड़ के ऊपर, उस पे चढ़ने हैं. तो साथ में बने रहिएगा क्योंकि मजा नेक्स्ट लेवल का आने वाला है. अगर आप नए हो, सब्सक्राइब, हिट दैट सब्सक्राइब बटन. सो स्टे ट्यून्ड, विल हैव लॉट ऑफ फन. फिलहाल मैं आया हूँ यहाँ पर टाइगर हिल और लायंस हिल है. वहां से आगे जाकर एक किला था ऊपर, परायगढ़ है ना. परायगढ़ मैंने कभी सुना नहीं है. वन मैन शो जो मेरे साथ लोग थे वो लोग फिलहाल चले गए. वो लोग कह रहे कि हम लोग थोड़ा कुछ पार्टी शार्टी करेंगे, बैठेंगे. और भाई हम तो कुछ करते नहीं है. अपना तो काम है बस घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना. अपने को किसी चीज की जरूरत नहीं है एंजॉय करने के लिए. तो अभी चढ़ेंगे ऊपर. कितनी लगना है? एक घंटा ना. एक घंटे में होना. तो ये बोल रहे बच्चे लोग, तुझा नाव का है? तुझा मयूर. विचार करून बोलतोस? मयूर. शुभम, मयूर, केतन. ये भाई लोग बोल रहे हैं ऊपर जाने में एक घंटा लगे. अब देखते हैं कि हम कितने देर में पहुंचते हैं. हम तो व्लॉग करते करते चढ़ेंगे तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जो भी है मजा काफी आने वाला है. सो स्टे ट्यून. चला बाय. ओ माय गॉड, चढ़ाई शुरू कर दी है मैंने. और रास्ता जैसा है काफी कड़क है. ये तो हाजी मलंग से भी खतरनाक लग रहा है मुझे. अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है फिर तो काम भारी हो जाएगा मेरा. फाइनली बहुत दूर है यार. तो बाळा किती टाइम लागणार अजून? अर्धा तास मध्ये होणार. आता तुझ्या हिशोबाने अर्धा तास. गाईड पाहिजे कोण? तुम्ही किती पैसे? 200. परवडत नाही. वरती जायचं, परत खाली यायचं, परत तुम्हाला इथे आणूनच सोडलं. वो लड़की बोल रही थी, ये सानी का नाम था उसका. शी वॉज लाइक गिव मी 200, आई विल गार्ड यू टिल द टॉप. तो यार 200 तो नहीं है फिलहाल. फिलहाल मेरे पास 40 रुपीज है. 50 रुपीज नीचे दे दिए, 40 रुपीज जेब में. और बाकी सब तो यार आजकल मोदी जी ने सब ऑनलाइन कर दिया, तो सब डेबिट कार्ड वेबिट कार्ड है भाई. जेब में जो थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर खर्च हो जाता है. और अभी कुछ लोग और भी है जो पीछे से आ रहे हैं. तो अभी चलते हैं ऊपर. यहाँ से ऐसा नजारा दिख रहा है तो ऊपर से तो बात ही कुछ और होगी. इधर का रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है. पता नहीं बारिश के टाइम में तो इधर की हालत एकदम फाड़ू होती होगी. बारिश के टाइम में तो इधर चढ़ना लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग. बट अभी तो मज़ा आ रहा है. और ये भाई लोग भी मिल गए पूना से. काश और लोग भी आते और लोग भी यहाँ का मज़ा ले पाते. सारे के सारे पेड़ उड़ा दिए. इससे तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन क्या करें. हम लोगों के लिए बोलना आसान हो जाता है. जो यहाँ पर रहते हैं जिनके पास गैस नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो लोगों को ऐसे ही काम चलाना पड़ता है भाई. वो कहते हैं ना, दूर से पिक्चर बहुत अच्छी लगती है. जब हम एक्चुअली उनके शूज में जाते हैं तब पता चलता है कि वो लोग की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है. दोस्त, तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट है? कलीग्स. हम लोग का भी वही है. हम लोग भी कलीग्स है. क्या नाम है तेरा? अक्षय. अक्षय, अरे हम लोग का भी दोस्त है अक्षय. वो कल ही चले गया मुंबई. संग्राम. एक अक्षय काम पर, एक बेलापुर, एक ऊपर खेलने वाला रवि चौथा. और एक अक्षय जो रेड टी शर्ट वाला, वो भी अक्षय. सब खिलाड़ियों के खिलाड़ी भाई. अभी हमारे खिलाड़ी बनने की बारी है. अब देखते हैं कि हम खिलाड़ी है या नहीं. हमारा भी नाम वैसे संग्राम सिंह है. संग्राम सिंह. अभी इनसे वही हम कहानी पूछेंगे. दोस्त, कितना टाइम लगेगा और चढ़ने में? आधा घंटा. जब कभी हम ट्रैवल करते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं जो आ रहे होते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं जब पहाड़ वहाड़ चढ़ते तो कि भाई कितना टाइम लगेगा. कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं 15-20 मिनट लगेगा. कुछ लोग बोलते हैं बस आ जाएगा अभी कुछ देर में. और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं अभी तो शुरू किया है. तो जो 15-20 मिनट वाले लोग है ना, ये वो लोग होते हैं जो बुरी तरह थके हुए और चूर होते हैं और जिनकी दिमाग का दही हो गया होता है. और वो लोग बोलते हैं बस अभी 15-20 मिनट में आ जाएगा. क्या बनाया हुआ है यार, कैसे पहले के लोगों ने इतना सब बना लिया ऊपर, पता नहीं. इतने ऊपर पहाड़ के ऊपर इतना बड़ा महल जैसा खड़ा करना इज नॉट एन ईजी जॉब. जस्ट लुक एट द रोड्स. बंदर लोग की टोली. कहीं कोई बंदर हाथ में से मोबाइल ट्राइपॉड ना लेके भाग जाए यार. ध्यान रखना पड़ेगा. जस्ट लुक एट दिस बेबी. अभी मैं एक साथ दोनों कैमरा से शूट करूंगा. एक को आगे रखूंगा और ये फेस पे रखूंगा. दैट वुड बी मोर बेटर. सीढ़ी भाग के चढ़ेंगे तो मजा आएगा. जाने वहां पे. आई वांट टू सिट देयर. लुक एट द ब्यूटी एंड द बीस्ट. आपका नाम क्या है? हितेश. विनोद. महावीर. विशाल. और कैसा मजा आप लोगों को जाके ऊपर? हम इधर 25वीं बार आ रहे हैं. 25वीं बार. हाँ, पर रेनी सीजन में मैक्सिमम जो है हमारा आने का रहता है, है ना? बारिश मिस हो गया. हाँ यार, हम लोग भी इसी चक्कर में आए थे कि बारिश है, इस बार बारिश ही नहीं है टाइम पे. और बहुत लोगों का मूड ऑफ हो गया, लेकिन फिर भी मैं अकेला बोला जाने का तो जाने का. नाम क्या है फूड का? कोरीगढ़. कोरीगढ़.
अच्छा मुझे नीचे साले बच्चे लोग ने कुछ और बता दिया, अपने को कभी सुना नहीं कुछ नहीं, याद नहीं मेरे को, अभी याद भी नहीं, पर ये तो नहीं बोले कुछ, अलग ही भलता ही बोले मेरे को। चलो सी यू, बाय बाय, मिलेंगे कभी। गणपति पप्पा थैंक यू लाने के लिए आपके बंदे को इधर, इतना और चढ़ना है भाई, इतना और चढ़ना है, लेकिन मजा आएगा। अब जो नजारा आने वाला है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एंड इट गोज देयर। ओह माय गॉड, ओह माय गुडनेस, आई एम सिटिंग हियर, ऑसम। हाय हाय प्रतीक, मिलते हैं, बाय। हाय, जब ऐसी जगह पर अनजाने लोग मिलते हैं, बातें होती है, हंसी होती है, वो मजा आता है। पानी पीते हैं और निकलते ऊपर, बाकी है थोड़ा, ज्यादा नहीं है। वो लोग जो मेरे साथ थे वो लोग तो शायद पहुंच गए ऊपर, वहां पर है पानीची शाही टाकी, पानीची शाही टाकी से ऐसा, वहां पर भी कुछ तो गुफा है। कुछ नहीं, इतना ही है। तुम्हें क्या रहने गए ना, रहने गए थे लोग ऊपर, काफी नजदीक आ गया हूँ मैं। फाइनली फाइनली आई एम हियर, द डोर इज ऑसम, द गेट इज ऑसम, द एंट्री लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, हियर इट इज। ना जाने कितने सालों का दरवाजा यार, काय नाव तुझं, तुझं नीरज नाव सर, भाजी मॅगी चहा कॉफी काय लागलं ना सांगा मला, यार राईट साइडने इकडे माझी दुकान सर, काय लागलं तर यस्ट दुकान म्हणजे काय दुकान तुम्ही या, काय लागलं ना तर दोनच्या दुकानातून थोडं थोडं घेईन, दोघांचं अलग अलग दुकान आहे का, म्हणूनच। जस्ट लुक एट दिस प्लेस, हो थक गया मैं, थोडा फ्रेश होना बनता है। तो अभी वहाँ से चढ़कर जाना है वहाँ एंडिंग पॉइंट पे, वो एंडिंग पॉइंट। क्या नाम तुमसर, तुमसर निरंजन, निरंजन संतोष, दादा तुमसर श्रीपाद। यहाँ पर आया यार, अच्छा हुआ लोगों से मिला, बातें हुई, एक अलग ही मजा आता है जब हम अनजाने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं। यहाँ पर अभी कुछ चीजें सामने आई है, लगता है ये सामान लाने ले जाने के लिए है, ऐसा ही कुछ तो है भाई। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल, वहां से आया था मैं, संभाल के संग्राम, संभाल के। It's good to see something very beautiful and something very creative. इस तरफ से जाना बहुत हो गया, वहां से जाते हैं। Let's go from here. Oh my God. इसीलिए तो यहाँ आया था मैं। Worth it, completely worth it. इतना आया मैं अकेले, no gum, कोई टेंशन नहीं। That's the reason I say, टेंशन नहीं लेने का, full on life जीने का। रागने, I love you. So finally, we are here. जय भवानी, जय शिवाजी। आंखों में धूप आ रही है और उसके कारण चक्कर जैसा हो रहा है, पानी की बॉटल भी लेनी पड़ेगी, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, भूख लगी है, खाना भी खाना है। बट सगळे पुण्याचे, मी मुंबईला, तुम्ही अगर सगळे वरडतात जय भवानी जय शिवाजी तर तो मी इंट्रो मध्ये टाकन, व्हिडिओचा एकदम इंट्रो, सगळ्यात पहिला भाग। हा अच्छा, जे पण बोला एका संघ सगळ्यांनी बोलला ना, जय जिजाऊ, जय जिजाऊ, जय जिजाऊ, जय जिजाऊ, चला
नंबर भाई, इतने व्लॉग्स बनाए लेकिन ऐसा व्लॉग कभी नहीं बना। मुझे लिटरली यहाँ पर आके पहली बार ऐसा व्लॉग है, प्राउड फील हो रहा है और काफ़ी मज़ा आया। फर्स्ट टाइम से लेकर अभी तक इतने सारे दोस्त बने, इतने सारे दोस्त बने, मज़ा आ गया, एक नंबर मज़ा आ गया। अब निकल पड़े हम हमारी दूसरी मंजिल की ओर, जो हमारी मेन मंजिल है, हमारा घर, हमारी मम्मी डैडी, हमारी वाइफ, हमारा बच्चू महाराज, सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ रिश्तेदार भी आए हैं, उनसे भी मिलेंगे। अब जाना है मुंबई। इतना तो थका नहीं हूँ मैं कि मैं बाइक चला के मुंबई जा नहीं सकता। अभी अभी एक अच्छी खबर आई है कि जो दोस्त लोग हैं मेरे अभी तक गए नहीं है, सब है नीचे, मतलब आधे तो कल चले गए थे और आधे जो है हम लोग वो नीचे रुके हुए, अभी भी होटल में जाने की तैयारी कर। तो मैंने बोला आई विल बी देयर इन 45 मिनट्स और अभी जाने। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बताना था कि यहाँ पर दो लेक है, एक ये वाली और एक ये वाली। और मतलब मौसम तो यार देखो, धीमी 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 बारिश हो रही है, पूरा टफट पहुँचने का होटल में एकदम फास्ट। उस तरफ जाना रह गया, होप सो जब हमारी रागनी जी के साथ आएंगे, हमारी सरकार, हमारी वाइफ, तब उस तरफ जरूर जाएंगे। ये दोनों का लफड़ा अभी भी चल रहा है कि मेरे इधर से खरीदो, मेरे इधर से खरीदो। तो इस कोरी किले को हमारी तरफ से दिल से अलविदा। होप सो कि हम दोबारा आएंगे हमारी सरकार, हमारे रागनी जी के साथ, हमारी वाइफ के साथ, और फुल मचाएंगे, हमारे बच्चू महाराज को भी लाएंगे। पर ये जगह ऐसी नहीं कि मैं मेरे मम्मी डैडी को ला सकूं, क्योंकि स्टार्टिंग में चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम है, बाद में भले स्टेयर्स, और स्टेयर्स भी इतनी खतरनाक है। बट इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस एंड एक बार तो आना बनता है अगर कोई आसपास रहता है, मुंबई वगैरह रहता है तो। यार चाहते हैं चलते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ये व्लॉग देखने के लिए। बहुत यार मेहनत से बनाया है ये व्लॉग, जिसे आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा, और ये व्लॉग मुझे एंड करना था पूरे परिवार के साथ। ये मेरी मम्मी, मेरी कजिन बहन, मेरे काका यानी मेरे मौसी के हस्बैंड, मेरी मौसी, मेरी दूसरी मौसी, और ये मेरा भाई, और ये लोग अभी आए गाँव से। मैं चाहता था कि ये जो व्लॉग है ये इनके साथ एंड करूँ, ये जो एक मेमोरी है इसे कैप्चर कर लूँ और ज़िंदगी में कभी भी हम देख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक कि ये व्लॉग देखने के लिए, और नए हैं सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्लॉग बनाता रहता हूँ। डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, बस यही बात है। और एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर। मैं बोले चाहिए तुम्हारा नमस्कार करा, नमस्कार करा, लई जरा बघणार आहे म्हणून बोलतोय। बोला की काय विठ्ठल, काय बोलायची?